काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशीहिदे को और एम्बेसेडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश भी देखा, उनके आत्मीय प्रयासों से काशी को ये उपहार मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशीहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी, मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चर परिचित उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग, इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में, पीपल टू पीपल रिलेशंस में, इसी अपनेपन की बात कही थी। हमने जापान से ऐसे ही सांस्कृतिक संबंध की रूपरेखा खींची थी। मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के साथ साथ रिश्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। काशी के रुद्राक्ष की तरह ही अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात में भी
जापानी जेन गार्डन और काइजेन एकेडमी का भी लोकार्पण हुआ था। जैसे ये रुद्राक्ष जापान की ओर से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है, वैसे ही जैन गार्डन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगंध फैला रहा है। इसी तरह चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझेदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जापान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट्स न्यू इंडिया की ताकत बनने वाले हैं।